हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसको, बिहार बोर्ड को, नहीं बिहार बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को। ठीक है, बिहार बोर्ड में हम लोग डिस्कस करके क्या करेंगे, हमें तो क्वेश्चंस जानना है। और क्वेश्चन में आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक चैप्टर केमिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली बात मेरी सुन लेना, बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे बिहार बोर्ड का क्वेश्चन क्या है। सबसे पहली बात कि कोई भी अभी तक बुक अवेलेबल नहीं है जो चैप्टर वाइज कर करके आपको क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करके दे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप बिहार बोर्ड की अगर कैंडिडेट हो तो ये वीडियो आपके लिए 100% सुटेबल है। क्यों? क्योंकि अगले 5 साल का एनालिसिस जो क्वेश्चन का रहता है वही रिपीटेड होता है आपके फाइनल एग्जाम में। क्लियर? तो मैं जो अभी क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं, भले इसमें कोई न्यूमेरिकल से जिसकी वैल्यू 220 है तो हो सकता है 110 करके आपसे क्वेश्चन बना के न्यूमेरिकल दे दे, लेकिन पैटर्न यही होंगे। तो अगर आप इस पैटर्न से भागोगे या इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे तो बाद में अफसोस करना, बट अफसोस करने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे साथ कंटिन्यू बने रहो और बिल्कुल आसान तरीके से हम इस चैप्टर को, केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को जिसका नाम क्या है, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट का बिहार बोर्ड का 5 साल का क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस सिर्फ क्वेश्चन का नहीं करना बल्कि क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी डालना। दूसरी चीज, बिहार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि बेटा जब क्वेश्चन तो देख लोगे, क्वेश्चन के में आंसर पे जाओगे तो मोस्ट ऑफ द आंसर इज रॉन्ग, ज्यादातर आंसर उसमें रॉन्ग दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव आंसर है बी, मार दिया ए। अब आप बच्चे कुछ रट जाते हो, पर इस गलती की सजा आपको मिलती है। लेकिन इस गलती से जस्ट उभरोगे, डजंट मैटर। बहुत आसान तरीके से फिर से मैं बता देता हूं, चैप्टर वाइज, ईयर वाइज मैं इसको डिवाइड करके दे रहा हूं, जो आपको किसी किताब में अवेलेबल नहीं होगा। टाइम खुटा हो गया आपका, मैं जान रहा हूं आपका काफी इंपॉर्टेंट टाइम है, बट आगे चलते हैं बच्चा। 2017 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 2021 का। नो डाउट आपने सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा है। थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और इसमें से क्वेश्चन बनाकर देखो। पॉज से हटा जाए बच्चा, पहले पॉज डाल दिए थे, अब पॉज से हटा दो, क्योंकि अब मैं सारे क्वेश्चन का 1x1 एनालिसिस करके दिखाऊंगा, जो भी आपने बनाया है, और नहीं बनाया तो फिर से थोड़े बैक आके पॉज करके क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार सॉल्व करो, सही या गलत आगे मिलाएंगे। तो चलो हम लोग मिलाते हैं, जिसने बना लिया वो आगे मिला ले। चलो 2021 का जो ये क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा, मैं क्वेश्चन के पैटर्न पे भी बात कर रहा हूं और क्वेश्चन के आंसर पे भी, और आंसर के साथ साथ आपको क्लू भी दूंगा कि ये कैसे सही है। ठीक है, जो किसी भी क्वेश्चन बैंक में आपको नहीं मिलेगा, खासकर ऑब्जेक्टिव को लेकर। क्लियर? चल आते हैं बच्चा। तो यहां पर सबसे पहला जो आपका टॉपिक कहा जा रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द एम्प्टी स्पेस ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन देन द डिफेक्ट इन क्रिस्टल इज कौन सा, एब्सेंटर। आंसर क्या बच्चा, एब्सेंटर। मैं क्लू जस्ट इसके बाद दे रहा हूं, पहले आप समझ लो कि इसका आंसर एब्सेंटर है। क्या आपने सही लगाया? बिल्कुल सही है, गुड। आगे बढ़ते हैं बच्चा। दूसरे में ये पूछ रहा है कि इसमें से अमॉर्फस सॉलिड कौन है, चार ऑप्शंस में, तो आंसर है बेटा ग्लास। और लास्ट है, इसमें से कौन सा एग्जांपल है अमॉर्फस सॉलिड का, तो उसका आंसर है रबर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो, तीनों आपने निपटा दिया, तीनों का तीनों भी सही हो गया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अब जिन लोगों का सही नहीं हुआ है वो लोग सही कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन जो अभी मैंने जस्ट आपसे कहा कि मैं पहले एनालिसिस करूंगा उसके बाद आगे बढ़ूंगा, पहला क्वेश्चन जो आपने बनाया है जिसमें आप एफ सेंटर को लेकर के कंफ्यूज हो रहे हो, देख बाबू ऑप्शन ए बी सी डी, ये चार ऑप्शन दिया हुआ था, आंसर सी है एफ सेंटर। ए क्यों नहीं है? ए इसलिए क्योंकि वहां पर स्कॉटकी डिफेक्ट होता है, और स्कॉटकी डिफेक्ट का वीडियो लेक्चर भी अपलोड है, नहीं तो यहां पे शॉर्टकट में आप जान लो कि स्कॉटकी डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जिसमें केटाइंस और एनाइंस दोनों अपने लैटिस पॉइंट से मूव कर जाता है, तो उसको स्कॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई केटाइंस जो पॉजिटिव चार्ज होता है, दिस इज कॉल्ड केटाइन, तो केटाइन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर इंटरस्टीशियल साइड पे चला जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट।
लेकिन बेचा थर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं एफ सेंटर। आप छोटा सा एग्जांपल देखो, ये आप देख रहे हो, ये सोडियम क्लोराइड है, नमक जो आप खाते हो वही है लेकिन सॉलिड के फॉर्म में, ये आयोनिक सॉलिड है। लेकिन जैसे ही आप नमक को क्या करोगे, हीट पर ले आकर आगे डालोगे, सपोज करो कि इसमें अगर थोड़ा मैं नमक लगा देता हूं और नमक को ले आकर फ्लेम में डालूंगा, कौन सा फ्लेम, आप घर पे गैस ऑन कर देना, गैस का फ्लेम ब्लू होता है, लेकिन जैसे ही आप नमक लगा हुआ आगे पुटअप करोगे वो चेंज हो जाएगा कलर, मतलब जो फ्लेम ब्लू बन रहा था अब उसके ऊपर येलो फ्लेम बनना स्टार्ट हो जाएगा, किसके कारण, नमक की वजह से। अब ध्यान देना हो क्या रहा, जैसे इस सॉलिड को हीट दिया जाने लगा, क्या दिया जाने लगा, हीट दिया जाने लगा, तो इस हीट दिए जाने की वजह से यहां पर से मूव कर जाएगा, कौन मूव कर जाएगा बच्चा, तो यहां पर एक मिनट वीडियोस में ये मूव कर जाएगा, कौन, क्लोरीन एटम इस जगह से मूव कर जाएगा, ध्यान से बात समझना, कौन मूव कर गया, नेगेटिव चार्ज, जो क्लोरीन आयन था वो यहां से बाहर निकल गया, और जब बच्चा ये क्लोरीन आयन यहां से बाहर निकल गया तो ये जगह तो एम्प्टी हो गया, खाली हो गया, और इस खाली जगह को न्यूट्रलाइज रखने के लिए अब ये करेगा क्या, यहां पे बच्चा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन बीच में ये सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज उस खाली जगह पे आकर के पुट हो जाएगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, एफ सेंटर, इस जगह का नाम पड़ा क्या, एफ सेंटर, क्लियर। तो बच्चा अगर यहां पर हम देखते हैं तो क्या कह रहा, ऑन हीटिंग क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट ऑफ सोडियम वेपर सम एनहांस लीव लैटिस साइज विच आर ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एफ सेंटर, और ये एफ सेंटर कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। वापस आते हैं हम लोग फिर से अपने क्वेश्चन के ऊपर, अब देख लो अगर आंसर आपका गलत हुआ है तो आपसे क्या पूछ रहा सवाल, सवाल बिल्कुल साधारण सा है कि when an electron occupy the empty space of negative charge ions then the defect in crystal is F center। सर स्कॉट के डिफेक्ट क्यों नहीं, स्कॉट के डिफेक्ट तब होगा जब किसी सॉलिड में इक्वल नंबर केटायन और एनायन मूव करेंगे, जो यहां नजर नहीं आ रहा मुझे। दूसरा फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों नहीं होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट में केटायन पॉजिटिव चार्ज अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर दूसरे साइड पे चला जाता है तो उसको फ्रैंकल डिफेक्ट कहेंगे, वैसा तो कहीं नहीं नजर आ रहा, तो आपका जवाब कंफर्म हुआ, क्या कंफर्म हुआ, एफ सेंटर। आते हैं बच्चा दूसरे टॉपिक के ऊपर, सॉलिड दो तरह का होता है, एक जिसे आप कहते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा जिसे आप कहते हो अमॉर्फस सॉलिड। सॉलिड कितने तरह के, दो तरह के, क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा बच्चा अमॉर्फस सॉलिड। सिंपल सा इस फिगर को आप देखकर एनालिसिस करो कि इसमें अरेंजमेंट और इसके अरेंजमेंट में फर्क है, ये अरेंजमेंट इरेगुलर है, ये अरेंजमेंट रेगुलर है, तो दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं सॉलिड में, किसका, जिससे सॉलिड बना हुआ है, किसका, जिससे सॉलिड बना हुआ है, तो जो सॉलिड बना हुआ है उसका रेगुलर अरेंजमेंट होगा तो वो कहलाएगा बच्चा क्रिस्टलाइन सॉलिड, लेकिन अगर ये इरेगुलर अरेंजमेंट में है तो ये कहलाएगा अमॉर्फस सॉलिड। तो सॉलिड का दो कंडीशन बना, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। अब आते हैं बच्चा छोटे से एग्जांपल पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड जनरली कौन होते हैं, जितने भी मेटल्स आपको देख रहे हैं ऑल मेटल्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लियर हो गया। दूसरे एग्जांपल में आते हैं, डायमंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड को हम लोग झुट्टो मुट्टो वाला सॉलिड कहते हैं, कैसा सॉलिड, झुट्टो मुट्टो वाला सॉलिड, और इसी को कहा जाता है स्यूडो सॉलिड, यानी फॉल्स सॉलिड कहते हैं, किसको, अमॉर्फस सॉलिड को। इसके एग्जांपल में आप याद रखोगे जो सवाल बार बार पूछे जाते हैं, कौन सा पहला एग्जांपल, ग्लास या क्वार्ट्ज ग्लास, ग्लास या क्वार्ट्ज ग्लास। दूसरा एग्जांपल रबड़, तीसरा एग्जांपल प्लास्टिक, ये सारे एग्जांपल किस में आते हैं, अमॉर्फस सॉलिड में। तो एग्जांपल आप याद रखो, आगे अगर क्वेश्चन आएगा आप आराम से पकड़ोगे, ठीक है। तो वापस आते हैं एक बार फिर से उस क्वेश्चन की तरफ जो आपके सामने है। मैंने क्या कहा, विच ऑल ऑफ फॉलोइंग इज अमॉर्फस सॉलिड, इनमें से कौन है जो अमॉर्फस सॉलिड है, तो सिंपल अभी मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के कहा और धीरे से भी कहा कि बेटा जान ले क्या
कि ग्लास जो है वो क्या है, अमॉर्फस सॉलिड है, तो ये ग्लास हो गया आपका अमॉर्फस सॉलिड। मैंने दूसरा एग्जांपल आपको फिर से समझाया अमॉर्फस सॉलिड का कि भैया इसमें से कौन होगा, डायमंड होगा? नहीं सर, डायमंड आपने कहा था क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ग्रेफाइट क्या कहा था? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सॉल्ट भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बचा कौन? रबर। तो सर हम याद कर लें, बेटा याद क्या करना है, ऐसे ही समझो, ग्लास, प्लास्टिक, रबर या क्वार्ट्ज ग्लास, ये कौन से? अमॉर्फस सॉलिड। मेटल्स, जो भी मेटल्स हो, आयरन, गोल्ड, निकल या फिर सॉल्ट, जो भी नमक हो, ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सारे क्या है? ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो सॉलिड दो तरह के, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। चलो चैप्टर भी यहां से समझ में आ गया। 2018 का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निपट गया, बारी अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला जो दे रहा है वो क्या कह रहा है, ग्लास इज एज्यूम टू बी सुपर कोल्ड लिक्विड, वाई? आंसर लिखा हुआ, थोड़ा झुकेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, हो गए, ठीक है, या हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। आंसर तो आपके पास आ गया, लेकिन यहां कैसे आएगा, इस बात को समझ दो। दस ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटा यहां लिखा हुआ आपने स्क्रीनशॉट में ले लिया, आप तो मेरे पास आ गया आंसर, बेटा एग्जाम में स्क्रीनशॉट लेके जाएगा, ये शॉट लेके जाना, कैसे? ध्यान देना, जनरली ग्लास जो होता है ना वो अमॉर्फस सॉलिड है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, और ग्लास अमॉर्फस सॉलिड क्यों होता है और कैसे होता है, ध्यान से बात समझो। अगर आपने किसी घर पर मिरर लगाया है या फिर कोई शीशा लगाया, ट्रांसपेरेंट वाला एक शीशा लगाया, चलो ठीक है, घर में अच्छा सा शीशा लगाया कि भैया अच्छे से क्या है, रोशनी आए घर के अंदर, जनरली इसकी मोटाई, इसकी जो मोटाई होगी वो किस बेसिस पे कंसीडर की जाती है, इसकी मोटाई mm में कंसीडर की जाती है। जब आपने ग्लास लगाया था तो जितनी मोटाई नीचे थी उतनी मोटाई ऊपर भी रहेगी, लेकिन आने वाले कुछ सालों में, अगर कोरोना से बच गए, 50-60 साल में ही आपको ये इफेक्ट दिखेगा। आने वाले कल में क्या होगा कि जिस मॉलिक्यूल्स का ये बना है, कौन? ग्लास, वो मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे फ्लो करना स्टार्ट करेगा। रिजल्ट क्या होगा कि बेटा ऊपर पतलू बन जाएगा, नीचे मोटू हो जाएगा, और इस मोटू और पतलू के होने की वजह से इसमें हेजिटेंस आ जाएगा, मतलब ये कैसा हल्का मिल्की वाइट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और इसका मतलब ये हम समझते हैं, मतलब क्या समझते हैं, समझ में आ गया कि भैया जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स इसमें मौजूद है वो फ्लो करे है। सर कैसे फ्लो करे? अभी तो मैंने बताया कि बेटा नीचे क्या काम कर रहा है, नीचे काम कर रही है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी इस मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचती है, तो जब मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ आएगा तो टर्म आ गया बेटा फ्लो, और फ्लो टर्म कभी भी सॉलिड के साथ नहीं लगता है, तो सर लिक्विड के साथ लगा देंगे, मतलब ग्लास को आप लिक्विड कहोगे, तब आप झुट्टो झुट्टो कह रहे हो, तो झुट्टो झुट्टो कह रहे हो तो कहां डाल दोगे झुट्टो झुट्टो को? सिंपल, अमॉर्फस सॉलिड में। मैंने कहा ग्लास अमॉर्फस सॉलिड है, और ग्लास अमॉर्फस सॉलिड के साथ साथ ये कैसे अमॉर्फस सॉलिड हो गया, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल टॉप टू बॉटम फ्लो करता है। जब ये टॉप टू बॉटम फ्लो करता है तो फ्लो करने की कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के पास होती है, जिस कारण इसे हम सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। अब आपको रीजन समझ में आ गया, अब आप देख सकते हो कि आपका आंसर क्या है। लिक्विड हैज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दैट इज फ्लो, ये फ्लो करने की कैपेबिलिटी लिक्विड। तो सर गैस के पास नहीं है, बेटा गैस का कोई क्वेश्चन ही नहीं हो रहा, मतलब मान ले गैस फ्लो करता है, लिक्विड फ्लो करता है, बट सॉलिड फ्लो नहीं करता, ठीक है। ग्लास इज ऑल्सो हैविंग द कैपेबिलिटी टू फ्लो बट वेरी स्लोली, ये ऊपर से नीचे फ्लो करता है, स्लोली। स्लोली कहने का मतलब है, मैंने क्या कहा, 50 साल, 60 साल, 100 साल के बाद ये चीज आपको दिखेगा, तो फ्लो धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ग्लास प्लेट इज फिक्स्ड ओवर द विंडो, इट अपीयर मिल्की वाइट एज अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद ये मिल्की वाइट अपीयरेंस शो करना स्टार्ट कर देता है। दिस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द बॉटम ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू फ्लो ऑफ कैपेबिलिटीज ग्लास इज कंसिडर एज सुपर कोल्ड लिक्विड। इस प्रॉपर्टीज की वजह से हम इसे कंसिडर करते हैं क्या, सुपर कोल्ड लिक्विड। क्लियर? चलो इसको क्लियर करके आगे आते हैं। बच्चा अगर आपने टॉपिक पढ़ा है, आप एड जिलेन
और रेडियस का रिलेशन जानते हो तो ये क्वेश्चन आप फटाक से सॉल्व करोगे। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कहता है लिथियम फॉर्म बीसीसी क्रिस्टल, लिथियम बीसीसी मॉडल का बना है। बच्चा ये बीसीसी क्या होता है थोड़ा समझा दो हमें। बीसीसी वैसा यूनिट सेल है जिसके 8 कॉर्नर के अलावा एक एटम कहाँ होगा? सेंटर पे। और ये सेंटर वाला एटम कहाँ जाएगा? ये देखो, ये एक कॉर्नर पे बना, ये दूसरे कॉर्नर पे, ऐसा कितना कॉर्नर होगा बच्चा? 8 कॉर्नर होंगे। क्लियर? बीसीसी के लिए अगर मैं एक और बात करूं तो अगला एटम कहाँ मौजूद है? इस सेंटर पे मौजूद है। ये कौन सा मॉडल बन गया? ये मॉडल आपका तैयार है यहां पे, बीसीसी। अब ये बीसीसी में आपसे सिंपल एक सवाल पूछ रहा है, न्यूमेरिकल बेस्ड। ऐसा न्यूमेरिकल बार बार पूछा जाता है। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस, रेडियस मतलब आर, और आपके पास दिया हुआ है इसका एज लेंथ, और एज लेंथ कहते हैं बच्चा ए को। ए आपका दिया है 351 पिकोमीटर, ये दिया हुआ है, और ये निकालना है कि रेडियस क्या हो जाएगा। सिंपल। बीसीसी में रिलेशन होता है बच्चा √3a = 4r। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो इसका वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, आप आराम से देख लो, उसके बाद फिर आकर के इसको देख लेना। क्लियर? चल, मैं बात कर रहा हूं √3a = 4r, तो बच्चा r = क्या हो जाएगा? r = √3a/4। रूट थ्री का मान बच्चे बच्चे को पता है, आपको भी पता होना चाहिए। सर हमको नहीं पता, तो याद कर ले बेटा, अभी अभी याद हो गया 1.732। चल टू को माफ किया, 1.73 याद करेगा। चल इस थ्री को भी माफ किया, 1.7 तो याद रहेगा। चल ए का मान यहां दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया रहेगा, ठीक है। 351 डिवाइडेड बाय क्या कर दे बच्चा? 4 से डिवाइड कर दे। कैलकुलेटर अपटापट मारो, आंसर आ जाएगा, बट कैलकुलेटर नहीं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा 150 + 25 175.5 डिवाइडेड बाय 2। 2 से फर्दर डिवाइड करेंगे, 2 से फर्दर डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 87.75। इतना को इतना से मल्टीप्लाई कर दे, इतना तो काम कर लेगा ना घर पे, हाँ, बैठे बैठे। कैलकुलेटर तो नहीं है और जगह भी नहीं है हम लोगों के पास, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा उसका आंसर किस में लिख देना? पीको मीटर में। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन सॉल्व, आगे चलें। स्क्रीनशॉट ले ले बच्चा। 2021 का क्वेश्चन निपटा, अब आपके सामने है 2020 का क्वेश्चन। थोड़े से एक्सपीरियंस बन चुके होंगे आपको 2021 के क्वेश्चन को सॉल्व करके। 2020 का स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन बनाओ, फिर मैं एनालिसिस इसका कर रहा हूं। क्वेश्चन सॉल्व बच्चा? तो सर हम तो वीडियो पॉज ही नहीं किए, तो बता आप कर ले, ठीक है, लेकिन बनाओ क्वेश्चन। आते हैं बच्चा क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चार। ये चारों क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे 2020 के एग्जाम में। क्लियर? सिर्फ ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एक भी नहीं था, सॉलिड स्टेट से। तो चार क्वेश्चन तो चार मार्क्स। क्लियर? तो बच्चा लोग, अब हम लोग इसके एनालिसिस पे बात करते हैं, और एनालिसिस 2020 का आंसर एनालिसिस है, मिलाया जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? आंसर 6। आंसर क्या होगा बच्चा? आपका आंसर होगा 6, आपने मिला लिया, सही है, चलो गुड। Which of the following oxide show ferromagnetism? इसका आंसर होगा ए, क्रोमियम ऑक्साइड। Which of the following is an amorphous solid? ग्लास। इस ये वाला तो सही हुआ होगा, बिल्कुल गुड। Which of the following is crystalline solid? आंसर डायमंड। दो आंसर तो सही हुआ, दो फिर से आ गया बेटा, दो देख फिर से रिवीजन किया, रिपीट किया क्वेश्चन ना, वैसे ही रिपीट करेगा, ध्यान दें। अब इस क्वेश्चन में पहला का आंसर कैसे आया, दूसरा का आंसर कैसे आया, वो मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चा आपके पहले क्वेश्चन को लेकर के, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वाला था। क्या कह रहा फर्स्ट वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एटम। ये जस्ट आप देखो, ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड है। मैंने बताया था ना अरेंजमेंट कैसा होता है, 1, 2, 3, इस दोनों के ग्रुप्स में ये एटम जाएगा,
फिर इस दोनों के ग्रुप्स में इस तरह का आइटम जाएगा, ये अरेंजमेंट हो जाएगा क्या ए बी और फिर ए टाइप। जस्ट इसके ऊपर अगर मैं पुटअप कर दूं बाबू यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, तो आप देखोगे ये हेक्सागोनल शेप देख लेगा। यहाँ समझना ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग यहाँ से ना समझे बल्कि यहाँ से समझ ले। इस जगह से ये हेक्सागोनल शेप का बन भी रहा, आप देख भी रहे हो, अगर आप इसका एनालिसिस करते हो तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। अब बेटा ये एससीपी में मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। सबसे पहले ये रेड वाले पे देखो, ये एक है, ये दो है और ये एक तीन है। सर इसके पीछे भी होगा? नहीं बच्चा, ये तीन ही होगा, ठीक है, ये थोड़ा और बढ़ेगा अंदर पीछे और ये ऐसा रहेगा। तो टोटल एटम क्या होगा यहाँ पे? तीन होगा जो सेंटर में पाया जाएगा। ध्यान दो क्या कह रहा, थ्री एटम एट पार्टिसिपेटेड एट द सेंटर ऑफ एससीपी। एससीपी के सेंटर पे ये तीन एटम पार्टिसिपेट कर रहा जिसका कैलकुलेशन थ्री आ रहा, ये सही है। दूसरे पे आते हैं, एट द कॉर्नर 1/6 पार्ट ऑफ एन एटम पार्टिसिपेट। मतलब अब इसके बाद बच्चा जो मैं बात कर रहा हूं कहां के बारे में बात कर रहा हूं, कॉर्नर के बारे में। और कॉर्नर कहां है? तो कॉर्नर बाबू रे सोनारे देख, यहां ये एक कॉर्नर है और ये कॉर्नर का जो हिस्सा इसमें आ पा रहा है वो हिस्सा आ रहा है 1/6 एक यूनिट सेल में। एक यूनिट सेल के अंदर इसका पार्टिसिपेशन है 1/6 का, क्लियर। अब ये 1/6 कितना है? तो देख, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6 ऊपर होगा, ये बीच वाला नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये कॉर्नर सिर्फ देखना। उसी तरह कॉर्नर यहां होगा, यहां तक तो 6 काउंट कर लिए, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, उसके पीछे 11, उसके पीछे 12, 6 ऊपर है तो नीचे 7 थोड़ी हो जाएगा, 5 थोड़ी हो जाएगा, 6 का 6 रहेगा। तो 1/6 पार्ट आ रहा है और टोटल 12 है, तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा आंसर? तो यहां पे आपका दूसरा आंसर बन गया, एट द कॉर्नर 1/6 पार्ट ऑफ एन एटम पार्टिसिपेटेड, तो 1/6 × 12 दैट इज 2। लास्ट वन, एट द फेस सेंटर, फेस कौन है? ये वो फेस है, ऐसा फेस यहां भी होगा, लेकिन आप खुद देखो ये जो आप फेस देख पा रहे हो, इस फेस में आपका पार्टिसिपेशन कितने का दिख रहा, कितना एटम इसमें पार्टिसिपेट किया होगा? तो ये जो फेस में पार्टिसिपेशन है ऐसा सा फेस दो होगा, एक ऊपर वाले में और एक नीचे वाले में। तो ऊपर वाले में जो पार्टिसिपेट होगा वो होगा हाफ का इधर का, और जस्ट नीचे से देखोगे तो नीचे से भी दिखेगा बच्चा, लेकिन कैसा? हाफ वाला दिखेगा, ठीक है, नीचे से भी हो जाएगा हाफ हाफ हाफ, दो हाफ मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो 1, 2, 3 और 3, 6 टोटल एटम आंसर हुआ 6। तो आप शॉर्ट में भी याद रख सकते हो कि एससीपी में नंबर ऑफ एटम 6 होता है। 6 के बाद अगला है एफसीसी, अगर एफसीसी बात आती है तो इसमें नंबर आ जाता है 12, नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। तो एफसीसी का सवाल तो नहीं है हमारा, एससीपी का सवाल है, और एससीपी में नंबर ऑफ एटम आंसर है बच्चा 6। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत आसान तरीके से बताया है कि बेटा सॉलिड्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, क्लियर। चलो इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में अगर मैं बात करता हूं तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कहता है द सॉलिड विच आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड डू नॉट लॉस देयर मैग्नेटिज्म देयर एक्सट्रीम आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। बच्चे हमको ज़्यादा कुछ नहीं उठाना है इसमें, इतना डेफिनेशन हमें नहीं पढ़ना, हमें एक चीज़ इसका देख कर निकलना है और वो नन्ना मुन्ना सा है, और वो है क्रोमियम ऑक्साइड। किसका एग्जाम्पल है? फेरोमैग्नेटिक का। ज़्यादा इसे समझना है वीडियो में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में आराम से समझ में आएगा, लेकिन हाँ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल कौन बना? क्रोमियम ऑक्साइड। तो ये दो पैटर्न आपको आराम से समझ में आए होंगे, आई होप। आगे इसके बाद इसी 2012 के अगले क्वेश्चंस पे डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि शायद दो क्वेश्चन और था, वो था अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये बहुत अच्छी तरीके से आप समझ चुके हो, क्लियर। चलो आगे है 2019 का क्वेश्चन भी है और आंसर भी है,
2019 का क्वेश्चन भी और आंसर भी। और बच्चा इस क्वेश्चन और आंसर पे अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत एक ही क्वेश्चन पूछा गया जो दो नंबर का क्वेश्चन था। तो 2019 में सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, किससे? सॉलिड स्टेट्स। व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट, क्वेश्चन ये पूछ रहा। ध्यान देना, सॉलिड होगा तो सॉलिड में डिफेक्ट होंगे, और जब सॉलिड में ये डिफेक्ट एरोज करेगा, मान के चलो ये सॉलिड है जिस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज किया गया है, ये सॉलिड है, बिल्कुल सॉलिड है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज हो चुका, लेकिन इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में किसी एक जगह पर डिफेक्ट हो, ये सॉलिड है और इस सॉलिड में किसी एक जगह पर डिफेक्ट हो जाए, क्या डिफेक्ट हो जाए, मान के चलो ये बेचारा यहां से भाग जाए कि भैया हम चले, कहां चले, घर, हम, मैं नहीं जा रहा हूं, तुम रुकना अभी। तो जब कभी भी यहां पे किसी तरह के डिफेक्ट एरोज होंगे जो यहां पे हो चुका है, तो ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं कौन सा डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। डिफेक्ट दो तरह के होते हैं बच्चे, वीडियो लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। यहां पॉइंट डिफेक्ट है इसलिए मैं पॉइंट डिफेक्ट ही सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। डिफेक्ट होगा लेकिन किसी एक पॉइंट पे, तो उसको क्या बोलोगे, पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन लाइन डिफेक्ट कंटिन्यूअस उसके अंदर क्या होगा, डिफेक्ट 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 दिखेगा, तो ऐसे को आप बोलोगे लाइन डिफेक्ट। तो डिफेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, पहला पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट की लाइन को काटते हैं, आते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो सिंपल कि सॉलिड का जो रेगुलर अरेंजमेंट है, उस रेगुलर अरेंजमेंट में किसी एक जगह पे अगर डिफेक्ट एरोज होगा तो उसे आप कहोगे पॉइंट डिफेक्ट। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो क्योंकि 2019 का भी क्वेश्चन आपका खत्म और जस्ट इसके बाद आते हैं। तो बचा कौन, 2018 का क्वेश्चन। फिर से बच्चा वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन बनाओ, योर टाइम स्टार्ट नाउ। टिक 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 टिक, बन गया सर इतना जल्दी, बेटा वीडियो पॉज कर ले, ठीक है। आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझो। इस क्वेश्चन में सिंपल चीज कह रहा, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बीसीसी यूनिट्स, बन गया होगा। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछ रहा, कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद आपसे पूछ रहा कि पेयर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों तरह के वर्ड्स पाए जाते हैं। आते हैं आंसर एनालिसिस में, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बीसीसी, मैं याद दिला दूं आपको। अगर आप यूनिट सेल को जानते हो तो तीन तरह का यूनिट सेल होता है, कौन कौन सा बच्चा, एक बार नाम बोला जाए, पढ़ चुके हो आप, जवाब निकलना चाहिए। पहला यूनिट सेल है जिसको कहते हैं एससीसी, हाँ सर याद आया, जब एससीसी के बाद दूसरा है बच्चा कौन सा, बीसीसी, और तीसरा कौन सा, एफसीसी। तीन तरह का यूनिट सेल है, बोला जाए कौन कौन सा, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। अब पहली चीज, एससीसी जो सॉलिड होता है उसमें पैक्ड जो होता है, पैक्ड का मतलब पैकिंग इफिशियंसी जो होती है, मैं फ्री स्पेस पे बात नहीं कर रहा हूं, बाद में आऊंगा, पैकिंग इफिशियंसी। मान के चलो कि आप पैकिंग इफिशियंसी को कैसे बोलोगे, ये एक ग्लास है और इस ग्लास में आपने बॉल डाला, लेकिन बॉल जो था वो इस तरह से एडजस्ट हुआ, दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये बॉल है। तो बाबू ये जो जगह आपको ये लाइन जो नजर आ रहा है ये क्या है, ये फ्री स्पेस बना, और ये जो बॉल जहां भरा है दैट इज अ पैकिंग इफिशियंसी। वैसा ही होता है बच्चा किसमें, सॉलिड्स में। सॉलिड्स में कौन सा सॉलिड, तो यहां पर ये एग्जांपल मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए एग्जांपल है बच्चा कौन सा, मेरे लिए एग्जांपल है एससीसी, बीसीसी और एफसीसी का। तो इसमें जब हम पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं, सर अभी कैलकुलेट करेंगे, नहीं बच्चा पैक कैलकुलेट कर चुका हूं, इसे यहां पे बता रहा हूं, इतना भी याद रख लोगे तो काफी। एससीसी में पैकिंग इफिशियंसी आई थिंक सो 54% आती है या 52.4, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं बट डजंट मैटर, सुधार लेना, ठीक है। अगर मैं बीसीसी में बात करूं तो बीसीसी में पैकिंग इफिशियंसी होती है 68%, और अगर मैं एफसीसी में बात करूं तो यहां पे होता है बेटा 72%, यहां पे हो जाएगा 52.4%। हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक हो, ये थोड़ा माइंड से मेरे मिस कर रहा है क्योंकि अभी कैलकुलेट करेंगे तभी एग्जैक्ट ला पाएंगे, तो थोड़ा सा आगे पीछे जा रहा, बट एक फैक्ट देख करके ही आंसर मारना, ठीक है। नहीं होगा, अगर गलती होगा तो मैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दूंगा, तो एक बार वहां देख लेना। 52.4% पैकिंग इफिशियंसी किसकी है, एससीसी की, बीसीसी का कन्फर्म है 68% है, और बेटा एफसीसी का
जो है वो 74%, 72 लिखा गया, इसको भी सुधार लो, गलती इंसान से होती है, घबराना मत, डरना मत, 74%, ये पैकिंग एफिशिएंसी है। तो अगर इस पैटर्न को भी आप याद रखोगे तो एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, बीसीसी की उससे कम, एससीसी की सबसे कम। लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी के बाद अगला बसता है कौन, फ्री स्पेस। अगर मैं कहूँ कि मैंने इस जगह पे पूरा जगह ले लिया, हट रहे, तो जब मैं पूरा जगह ले लूँगा तो आसपास जगह क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। मैं जितना हूँ वो पैकिंग एफिशिएंसी और आसपास का जगह खाली, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे लोग आकर जुड़ जाते हैं, तो जब लोग आकर जुड़ जाते हैं तो पैकिंग क्या हो जाता, बढ़ जाता। क्लियर? नहीं समझ में आया तो सिंपल समझो कि जितना है उसमें 100 से घटा दो, मतलब मान के चलो टोटल परसेंट कितना होगा 100 एक वॉल्यूम का, उस वॉल्यूम में 52.4% आपका क्या है, पैक्ड है। जब इतना परसेंट पैक्ड है तो खाली क्या होगा, इतना तो दिमाग काम कर रहा, 0.6 यहां जीरो लगा देंगे, 10.692795 कितना आ गया बच्चा, 47.6। क्लियर? ये क्या आया, फ्री स्पेस आया, किसका, एससीसी का। लेकिन हमसे सवाल एससीसी का नहीं पूछ रहा, हमसे सवाल बीसीसी का पूछ रहा, तो अगला तू बता दे आंसर, तो सर यही वाला तो होगा, हो गया। और अगर एफसीसी का पूछ दे, यहां बीसीसी को हटा के बोल दे एफसीसी का, तब क्या करेंगे, इससे घटा देंगे, 26% आंसर आएगा। क्लियर है? तो यहां पे आपसे बीसीसी का पूछ रहा, बीसीसी को 100 से घटा दो क्या जाएगा, 32% क्या, फ्री स्पेस। आपको याद क्या करना, एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू में, एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट्स में आप याद करके जाओगे पैकिंग एफिशिएंसी, और अगर तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी याद रही तो फ्री स्पेस तीनों में से किसी का भी निकाला जा सकता है, बस अर्थ 100 से घटा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले बच्चा। पहला क्वेश्चन तो गया, दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, 2018 का क्वेश्चन, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज, आंसर है बेटा 12। कैसे, सबसे पहले मैं ये बात करता हूं आपसे कि ये जो पूछ रहा है नंबर, ये कौन वाला नंबर वा है, वो ये नंबर वही है जो एक दूसरे से टच करता। जैसे हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड में होता क्या है कि ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, ये चौथा एटम है, ये पांचवा एटम है और ये छठा एटम है। ज़्यादा बन गया लग तो रहा, ज़्यादा बन गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया फिगर बनाने में, फिर से मैं बना देता हूँ, 1, 2, 3 सही, अब सही जा रहा, अब बिल्कुल गुल बना। ठीक है, तो अब सोचो कि बाय द वे अगर आप इसको सेंट्रल जोन मानोगे कि ये सेंट्रल जोन है और इस सेंट्रल जोन से कितने एटम इससे टच कर रहे हैं, बच्चा मैं भी हेक्सागोनल क्लोज पैक बना रहा हूं, ठीक है, इससे कितने एटम टच कर रहे हैं, तो पहला एटम सर ये टच कर रहा है, ये एक टच कर रहा है, ये दो, ज्यादा मोटा हो गया, टचिंग एटम जो है यहां वहां 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 एटम इससे टच कर रहा। इसके बाद बाबू अगर मैं बात करता हूं कि ये इसके ऊपर 3 एटम और एडजस्ट होगा, पहला एटम ये हो गया, थोड़ा मोटा कर देते हैं ताकि जल्दी हो जाए, फर्स्ट एटम, तो ये एटम इसे टच करेगा, दूसरा, और ये बाबू बवारे ये तीसरा। अब आप यहां पे अगर फोकस करते हो तो यहां तो 6 एटम तो कॉर्नर से टच कर ही रहा था, वो वाला वाइट वाला अंदर छुपा हुआ है, ठीक है, ये 7, ये 8, ये 9। अब जो आप ऐसे सोच रहे हो, जस्ट इसके पीछे जाकर के सोचोगे तो पीछे भी 3 एटम टच करेगा, लेकिन पीछे जो 3 एटम टच करेगा वो तो दिखेगा नहीं, आप सोच लो कि भैया एटम पीछे है, एटम पीछे है, जस्ट इसका अपोजिट सोचना, तो 3 एटम पीछे रहेगा इसके, जस्ट इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, यहां नहीं सोचना, इसके पीछे सोचना। तो जब इसके पीछे आप 3 एटम को फिर से एडजस्ट करोगे तो 6 एटम इधर टच कर रहा, 3 एटम इधर और 3 एटम जस्ट उसके पीछे। क्लियर? तो यहां पे टोटल कितना हो जाएगा, 6, 9 और 3 उधर, तो आंसर क्या होगा, 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं कि कितना एटम टच कर रहा है, जितना एटम टच करेगा उतना कोऑर्डिनेशन नंबर, नहीं एटम टच करेगा नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर। डिफिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर का यही होता है, दैट एटम्स विच आर टच टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। चल इसका स्क्रीन शॉट ले ले बच्चा, ले लिए, मतलब फास्ट है, ठीक है, और फास्ट को सुपर फास्ट बनाया जा सकता, वही
टाइप का क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स रेस्पेक्टिवली। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें दो तरह के वर्ड्स बनेंगे, एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। टेट्राहेड्रल वर्ड्स कैसे बनता, ध्यान से बात समझना, एकदम लॉजिक चुन्नू मुन्नू की तरह समझें। ये एक बॉल है, हाँ सर। ये दूसरा बॉल है, बिल्कुल सर। ये तीसरा बॉल है, सर ये तो बॉल नहीं है, ये तो गोल गोल है। चल मान ले कि तीन बॉल को आपने एडजस्ट कर लिया बवारे नूरे, तो यहां पर इस तीन बॉल के ऊपर मैं क्या करूं कि एक और बॉल को इसके ऊपर रख देता हूं। अगर मैं पूरा कलर कर दूंगा तो फिर आपको नहीं दिखेगा। अब आप सोचो कि तीन नीचे बॉल है, एक उसके ऊपर आपने बॉल रख दिया, तो यहां पर आपका वाइट्स बनेगा और वो वाइट्स कहलाएगा टेट्राहेड्रल वाइट्स। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? हाँ आया गया। टेट्राहेड्रल वाइट्स के बाद दूसरा मैं बात करूं ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कैसे बनता है, ये देख बच्चा, ये एक ठो बलवा है, हाँ सर। इसके बाद दूसरा बॉल है, हाँ सर। ये तीसरा बॉल है, इस तरह एडजस्टमेंट हो गया। तो सर ऊपर वाला तो बनना नहीं बच्चा, ऊपर वाला नहीं बन रहा। अब यहां पर तीन एटम ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा इसके ऊपर। अब इसमें जो वर्ड्स बना है ये वर्ड्स कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो दो तरह का वर्ड्स बना, पहला टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहते हैं खाली जगह को, ठीक है। तो दो तरह के वर्ड्स बनते हैं, एक वर्ड्स कहलाता टेट्राहेड्रल वर्ड्स और दूसरा वर्ड्स कहलाता ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो ये दोनों तरह के वर्ड्स किस में देखे जाएंगे, तो दो मॉडल में, एससीपी में और सीसीपी में। फिर से एक बार, एक छोटी सी बात याद नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है सर, इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो। तो छोटी सी बात दिमाग में डालना लो कि एचसीपी और सीसीपी में ही वर्ड्स बनेंगे और वो वर्ड्स का नाम होगा टेट्राहेड्रल वर्ड्स और होंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। कुछ बातें याद करके भी समझी जाएंगे। 2018 के बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2017, क्वेश्चन बहुत कम है और यहां पे आपको होमवर्क भी मिला। ले सर अभी से होमवर्क देना स्टार्ट कर दिए, यूट्यूब में कोई होमवर्क देता है वो आपको करना। काम करोगे तो मजा आएगा, नहीं काम करोगे तो मजा नहीं आएगा, ना मुझे पढ़ाने में ना आपको पढ़ने में। चलो, फिलॉसफी का क्लास नहीं है इसलिए हम लोग ज्यादा टाइम लगाते हैं अपने टर्म को समझने में। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाइक मेटल, तो आंसर है क्रोमियम ऑक्साइड। क्या करें सर, इसको कैसे समझे? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में तीन तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला होता है इसका क्या कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा कैसा होता है सेमीकंडक्टर। तो मैं यहां पे जो बात कर रहा हूं ये एग्जाम्पल का है और एग्जाम्पल को समझा कम याद ज्यादा किया जा सकता है। तो मैं मेमोराइज क्वेश्चन आपसे कह रहा हूं, यह एनसीईआरटी का लाइन क्या है, कहता है कि इनमें से कौन है ऑक्साइड जिसकी प्रॉपर्टीज मेटल्स की तरह होती है। किस, कौन सी प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। जैसे मेटल्स किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, वैसे इनमें कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो कि क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो आंसर है क्रोमियम ऑक्साइड। सर इससे पहले भी क्रोमियम ऑक्साइड आता, वो किस चीज के लिए था? वो फेरोमैग्नेटिज्म था, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बताने के लिए। और यहां पे क्रोमियम ऑक्साइड दूसरी चीज को बता रहा है और वो कंडक्टिविटी को बता रहा है। तो याद रखोगे क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड, जुट्टो जुट्टो पहले बना के बैठ गया होगा। अब आ जाओ, लिथियम फॉर्म बीसीसी, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम इन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ यूनिट सेल। इसको कुछ याद आ रहा है? अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल्स को हम लोगों ने सॉल्व किया था, याद आया? याद आ गया। हमने पहले ही क्वेश्चन सॉल्व किया था कि बाबू रे ये बीसीसी अरेंजमेंट है, तो बीसीसी अरेंजमेंट में यहां पर होगा रूट थ्री ए इज इक्वल टू फोर आर। अगर मैं सब बता दूंगा तो होमवर्क क्या रह जाएगा? क्वेश्चन वही है, रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी क्या होगा, पांच साल के एनालिसिस में आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। तो चलते हैं बच्चा, आज के लिए थैंक यू एंड बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग जल्द मिलते हैं, कौन से चैप्टर को लेकर के, चैप्टर सॉल्यूशन। क्लियर है? ओके बाय।